हेलो भाई, मादी के बारे में पूरा वीडियो देखते जाओ, स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर। देखो एक कथन कहता है, उस कथन को सुनने के बाद उम्मा दे जीवन भर जोधपुर न आने की कसम खा लेती है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कथन ऐसा क्या कथन रहा होगा। मित्रों, इस आशा बारक ने कहा, मान तजे तो पिउ ताज, पिउ तजे तो मान, दोनों खंबण नाई होई एकण खंबण ठान। इस दोहे को सुनने के बाद, मान तजे तो पिउ ताज, पिउ तजे तो मान, दोनों खंबण नाई होई एकण खंबण ठान, इसका अर्थ क्या है? मान तजे तो पिउ, पिउ का अर्थ होता है पति, अर्थात कौन सा बेंड, हस्बैंड। पीयू का अर्थ बताओ कौन क्या होता है? पीयू का अर्थ होता पति। आशा भारत कह रहा है कि उम्मा दे, अगर तुझे मान तजे तो पीयू ताज, अगर तुझे तेरा मान सम्मान प्यारा है तो पीयू यानी पिया का त्याग कर दे, और पीयू तजे तो मान, और अगर पिया चाहिए तो मान सम्मान का त्याग कर दे, और मान सम्मान चाहिए तो पिया का त्याग कर दे। मित्रों, एक वीरांगना को, एक सत्राणी को, राजपुताना की एक नारी को उसके मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं लगता। इस उम्मा दे ने कहा, मुझे पिया की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो मेरा मान सम्मान प्यारा, और मैं आज ही प्रण लेती हूं कि मैं जीवन भर कभी जोधपुर लौट करके नहीं आऊंगी। मान तजे तो पिउ ताज, पिउ तजे तो मान, दोनों खंबण नाई होई एकण खंबण ठान। आशा ने कहा, पिया चाहिए तो मान सम्मान का त्याग, और मान सम्मान चाहिए तो पिया का त्याग कर दे, दोनों बातों में से एक बात का चयन कर ले उमा दे, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। और उमा दे ने चयन कर लिया कि मुझे मेरा मान सम्मान प्यारा है। मित्रों, उमा दे जीवन भर जोधपुर नहीं जाती है और रूठी हुई तारागढ़ अजमेर में रहती है। अंत में 1562 ईस्वी में जब मालदेव की मृत्यु होती है तो गुंदोज गांव पाली में अपने पति के साथ में उमा दे महासती हो जाती है। राजस्थान के इतिहास की एकमात्र महिला उमा दे थी जो महासती हुई थी। महासती का अर्थ होता है अपने पति की किसी निशानी के साथ में जिंदा जलने वाली जो महिला होती है उसे बताओ क्या कहा जाता है? महासती कहा जाता है। 1562 ईस्वी गुंदोज गांव पाली, इस स्थान पर महासती हुई। ये कुछ जानकारियां अपने को बताओ किसके बारे में पता होनी चाहिए? उम्मा दे के बारे में। पुत्री, विवाह कब हुआ, निर्वासित काल तारागढ़, तारागढ़ के बाद में थोड़ा सा समय कोसाना में बिताया, कोसाना के बाद में अंतिम समय इन्होंने बताओ कहां पर बिताया था? गुंदोज पाली में बिताया था। ये अभी लिखेंगे या